नमस्कार दोस्तों, मैं राम बालक महतो भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स रिलेटेड ऑडियो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी का प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी का मेंस ही क्यों ना हो, आप लोगों को बहुत ही मदद पहुंचाने जा रहा है। बस ज़रूरत इस बात की है, शिद्दत के साथ इसको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ हमेशा याद रखना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। इसी के साथ अब हम अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं और आज का मेरा टॉपिक है भारत नेट परियोजना 2। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत नेट की दूसरी चरण की शुरुआत की गई है। इसके लिए केंद्रीय सरकार 2018-19 के बजट में तकरीबन 8000 करोड़ रुपया देने की बात कही है। इससे पहले जहां भारत नेट 1 के तहत 1,00,000 गांवों में सफलतापूर्वक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, वहीं भारत नेट परियोजना 2 के तहत सरकार ने 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए तैयार है, जो अपने लक्ष्य को तकरीबन मार्च 2019 तक पूरा कर लेगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पहला प्रश्न, भारत नेट परियोजना क्या है, यह अन्य से मतलब पिछले से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, इसके पिलर्स की चर्चा कीजिए, स्तंभों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, विशेषताएं क्या होती है और काम कैसे करेगा यह। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत नेट 2 के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत में अभी इसके लिए कितनी चुनौतियाँ हैं और सरकार इसको लेकर किस प्रकार टैगल करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर छठा, विश्व पटल पर इंटरनेट के बढ़ते दायरे के मद्देनज़र भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सातवां और अंतिम, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए एक एक करके अपने उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। दरअसल भारत नेट परियोजना विश्व के सबसे बड़ी रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है, जो कि ग्रामीण भारत में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को याद रखने वाला यह बात है कि यह पिछले भारत नेट से इस प्रकार भिन्न है कि यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से दिया जा रहा है। याद रखना है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो भी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। चलिए अब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया और इसके स्तंभों की। दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य सभी को इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाना था। इसके 9 स्तंभ थे, जिसमें था ब्रॉडबैंड हाईवे, आईटी फॉर जॉब्स, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट्स, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। दोस्तों, इसी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत नेट परियोजना 2 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के फर्स्ट पिलर मतलब ब्रॉडबैंड हाईवे पर विशेष जोर दिया गया है। आइए अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की और यह काम कैसे करेगा। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कांच अथवा सिलिका का बना होता है, जो रेशे के समान दिखता है। इसके माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात प्रकाशीय संकेत को डिकोडिंग प्रक्रिया की मदद से विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि वजन में हल्का, उच्च बैंडविड्थ, उच्च गुणवत्ता युक्त सूचना को भेजने के कारण भारत नेट परियोजना 2 के तहत इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यह काम कैसे करेगा। देखिए, भारत में अभी ऑप्टिकल फाइबर 250 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सरकार इसको बिछाने का काम कर रहा है। इससे होगा क्या, प्रत्येक ग्राम पंचायत के रूलर जो एक्सचेंज जो बनेगा ग्राम पंचायत पे, वो इसको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद यह
केबल के रूप में या ब्रॉडबैंड के रूप में या फिर वाईफाई के जरिए क्या होगा, डिवाइस मतलब मोबाइल लैपटॉप आदि से ये जुड़ जाएगा और इंटरनेट सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं भारत नेट के विभिन्न आयामों की। दोस्तों सरकार ने विभिन्न एरिया के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स इसमें दिए हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, लक्षद्वीप के लिए और नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए इसमें विशेष प्रबंधन किया गया है। आइए बात करते हैं उत्तर पूर्व राज्यों के लिए। दोस्तों वहाँ पे बहुत ही सड़कों का अभाव है और वो एक दुर्गम और पहाड़ी इलाका में से एक है, तो उसके लिए सरकार जो इंटरनेट सेवा पहुँचाना वहाँ मेन चुनौती है, तो उसको जहाँ पर बहुत ये दुर्लभ है वहाँ पर मोबाइल टावर के जरिए, कुछ जगहों पर केबल नेटवर्क के जरिए, कुछ जगहों पर ब्रॉडबैंड हाईवे के जरिए, अर्थात सम्मिलित रूप से सरकार का टारगेट यह है कि किसी भी प्रकार वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचाया जा सके। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो सरकार वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बिछवा रही है और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही वहाँ पे ले जाया जाएगा। उसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए सरकार ने स्पेसिफिक क्राइटेरिया के तौर पर 524 करोड़ रुपया बजट 2018 में घोषणा किया है, जिसके तहत 156 दूर संचार टावर स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए विशेष तौर से नोट करने की बात यह है कि भारत नेट के तहत जितने भी इक्विपमेंट का उपयोग किया जा रहा है वह मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित होगा, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ। ये जो सॉफ्टवेयर है उसका विकास और निर्माण जो है C.dot नाम की भारतीय कंपनी ही कर रही है। अब हम इसकी चुनौतियाँ का बात करते हैं, भारत नेट के समक्ष चुनौतियाँ। देखिए दोस्त, भारत में अभी बिजली की भी अपर्याप्त कमी है, पूरा नहीं हो पाया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अभी नहीं हो पाया है। इसके अलावा सभी के पास कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड फ़ोन जैसे डिवाइस नहीं हैं। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा का बहुत ही अभाव है। खैर इसके लिए सरकार अभी डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दे रही है और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है और वो अपने मार्ग में सफलतापूर्वक आगे बढ़ भी रहा है। अगर हम विश्व पटल पर भारत की स्थिति का चर्चा करें तो भारत विश्व का सबसे अधिक डाटा कंज्यूमर करने वाला देश बन गया है। बीते साल का जो रिपोर्ट आया है उसमें भारत में 500% इंटरनेट सेवा में वृद्धि की बात की गई है, जिस पर तकरीबन 43,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। याद रखना है 500% वृद्धि हुआ डाटा कंज्यूम करने में और 43,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम दुनिया के इस डिजिटल हाईवे के दौर में कहाँ है, बहुत आगे। आइए अब हम अगर इसकी प्रभाव की बात करें तो दोस्तों इसका लार्जर इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ने वाला है। ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई पुलिसिंग, ई कोर्ट, ई कॉमर्स के अलावा रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल डायग्नोस्टिक भी हो पाएगा एवं नक्सलवाद में कमी आएगी। इसके अलावा और भी जितने भी इलीगल चीज़ इंडिया में हो रहे हैं इस पर लगाम लगाया जा सकेगा। दोस्तों ये था मेरा एंड ऑफ द टॉपिक, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और नए एनर्जी के साथ। अपना बहुमूल्य समय हमको देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।